बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग इसलिए बोला। बहुत ही सुबह सवेरे नमाज़ पढ़ के मैं छत पे आई हूँ। देख लें कितनी प्यारी ये नज़ारा, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। जो सूरज निकलता है और साथ में फूलों के साथ सुबह का आगाज़ हो जाए तो क्या बात है। मैंने वजीफ़ा भी कर लिया साथ में, तो इसके बाद थोड़ा सा आराम करके फिर किचन में जाऊँगी। जी फ्रेंड, 9 बज गए हैं, मैं किचन में आ गई हूँ। अभी मैं नाश्ते का हलवा बना रही थी, तो मैंने सोचा अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करती जाऊँ। देख ली, मैंने थोड़ा दूध भी इसमें डाला हुआ है, क्योंकि मैं मज़ीद डाल लूँगी दूध में और उसको मैं अच्छे से हल कर लूँगी। तो नाश्ता जो है कमर दर्द के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। इसमें मैंने दूध डाल लिया है, देख लें, अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। कमर दर्द के लिए नहायत फ़ायदेमंद है ये। जिन बहन भाइयों के पाँव में कमर में दर्द रहता है तो वो ये ज़रूर ट्राई करें। मैंने लिया है देसी घी, और इसको मैं देसी घी में बनाती हूँ, आप किसी मैन में भी बना सकते हैं। और चीनी मैं बहुत कम डालूँगी, मैं ज़्यादा मीठा नहीं लेती हूँ। मैंने थोड़ी सी चीनी डाल ली है और साथ में मैं इलायची भी डाल दूँगी, फिर इसमें फ्राई कर लूँगी। और आप भी ट्राई कीजिएगा। और इसमें गोंद शक्कर भी मैं डालूँगी एंड में आधा चम्मच से तकरीबन आधा चम्मच से ज़्यादा डालूँगी, एक चम्मच कह लें आप, वो डाल लें, बहुत ही बेस्ट होता है। देखिए चीनी मेरी ब्राउन हो गई है। और इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट डालें, काजू और कोकोनट के कुछ पीस डाल देती हूँ अभी। ये अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये मिक्सचर जो मैंने बनाया है, इसकी भुनाई कर लेते हैं अच्छे से। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से डालिएगा, जो आप लोगों को पसंद है, जो आप कम भी डाल सकते हैं, तो मेहनत पर डिपेंड करता है। कमर दर्द के लिए बहुत बेस्ट हलवा है ये। कोकोनट के मैंने कुछ पीस डाल दिए हैं इसमें, अच्छे से फ्राई करेंगे। देख लें, मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है, बस ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। 5 से 6 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है। और जो आंच मैंने बहुत हल्की रखी थी, और ये मैं इसमें गोंद किकर चूर डाल रही हूँ। और नाश्ता तो वैसे भी बहुत बेस्ट होता है, नाश्ता आप लोग जानते होंगे गंदम से निकलता है, गंदम को खमीर करके, तो ये वैसे भी कमर दर्द के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। इसको बाज़ जगहों पे बाज़ घरों में नहार मुँह आधा चम्मच लेते हैं पानी के साथ। हलवा हमारा रेडी हो चुका है, आप भी ट्राई कीजिएगा। कमर में दर्द है और पाँव में दर्द है, इससे ठीक हो जाता है, मेरा खुद का ठीक हुआ है। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।